मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम एक छोटा सा यूज जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यूज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिस यूज का नाम है हैज और है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वातावरण में इस अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, अर्थात आजकल प्रत्येक लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान जरूर होना चाहिए। चाहे आप कहीं भी जाएं, चाहे तहसील पे जाएं, चाहे कोर्ट में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, जो आपके आज प्रपत्र, जो भी आपके पेपर्स आज आ रहे हैं, सब अंग्रेजी में आ रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी का ट्रांसलेट आपको आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपके बीच में एक छोटा सा यूज लेकर के आए हैं, जिस यूज का नाम है हैज और है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हैज और है का मतलब होता है पास या रखना। देखिए, पास या रखना का यूज कब होगा? जब आप इसे संबंध, जिसको रिलेशन, अधिकार या पारस्परिक संबंध का भाव मिले, तो वहां पर हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, हैज हैव का अर्थ पास या रखना होता है, लेकिन हिंदी वाक्य अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है शब्द लगा हो, तो वहां पर एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाओगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाएंगे। देखिए, सारे फॉर्मूले हमने दिया हुआ है। देखिए, जब इस यूज का आप अफर्मेटिव बनाएंगे, तो अफर्मेटिव में पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर एक वचन का है, तो इसके साथ आप हैज लगाइए, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर का है, यानी आई वी यू दे है, तो हैव लगाइए, और उसके बाद आप नाउन लगा दीजिए। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो इसके नेगेटिव को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला है कि सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाइए, प्लूरल है तो हैव लगाइए, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाइए, उसके बाद नाउन लगा दीजिए। या इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज नॉट लगाइए, बहुवचन का है तो डू नॉट लगाइए, और हमारा नियम है कि डज नॉट और डू नॉट के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, क्योंकि इसके साथ हैज लगाओगे डू नॉट और डज नॉट के साथ, वह सेंटेंस गलत होता है, और उसके बाद आप नाउन लगा दीजिए। यह तो आपका नेगेटिव हो गया। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव आपको मैंने पहले भी बताया है कि यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखिए, अगर कर्ता, अगर क्या पहले आया हो, कर्ता एक वचन का हो, तो पहले आप हैज लगाइए, बहुवचन का है तो हैव लगाइए, सब्जेक्ट प्लस नाउन लगा दीजिए। और दूसरा नियम इसमें बनता है कि कर्ता सिंगुलर है तो डज लगाइए, प्लूरल है तो डू लगाइए, सब्जेक्ट और उसके बाद आप हैव लगाइए, और हैव के बाद आप नाउन लगा दीजिए। फिर प्यारे विद्यार्थियों, इस पे दूसरा रूल्स है, क्वेश्चन वर्ड, या इसी को कहते हैं डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स। डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स में डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स पहले लिखा जाता है, कर्ता सिंगुलर है तो हैज लगाइए, प्लूरल है तो हैव लगाइए, सब्जेक्ट प्लस नाउन लगा दीजिए। उसी प्रकार दूसरा नियम भी है, डब्ल्यूएच लगाइए, कर्ता सिंगुलर है तो डज लगाइए, प्लूरल है तो डू लगाइए, सब्जेक्ट, और मैंने बताया अभी आपको पहले कि डू और डज के साथ हमेशा हैव का ही यूज होता है, और प्लस नाउन लिख दीजिए। अब एग्जांपल की तरफ हम सब चलते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरे पास एक कलम है, या इसी सेंटेंस को आप कह सकते हो मैं कलम रखता हूं, तो देखिए हिंदी वाक्य अंत में पास है या रखता हूं शब्द आया है, तो देखो मेरे पास या मैं, इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है आई। जैसे मेरे आ गया, तो इसकी अंग्रेजी आई लिखिए। यहां पर हमारे आ गया, तो इसकी अंग्रेजी वी लिखिए। तुम्हारे आ गया, तो इसकी अंग्रेजी आप यू लिखिए। उनके आ गया, तो इसकी अंग्रेजी आप हमेशा दे लिखिए। और जैसे आ गया हमारे पिताजी, हमारे पिताजी अगर आ गया, तब आप लिखिए जो है आवर फादर। यह हमारा नियम है। तो देखिए आप कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे या मैं की अंग्रेजी आई, और प्रेजेंट में आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई के साथ जो है हमने क्या लगाया, अफर्मेटिव में है, उसके बाद मैंने नाउन कहा, तो एक अंग्रेजी ए, उसके बाद कलम की अंग्रेजी पेन। या दूसरा एग्जांपल है, तुम्हारे पास एक घर नहीं है, या तुम एक घर नहीं रखते हो, यह दोनों सेंटेंस एक है, तुम्हारे पास एक घर नहीं है या तुम एक घर नहीं रखते हो, तो तुम्हारे अंग्रेजी यू, उसके बाद यू के साथ हैव लगता है, क्योंकि प्लूरल माना जाता है, यू हैव, नहीं के लिए नॉट, और ए हाउस,
और दूसरे नियम से भी बना सकते हैं यू, यू के साथ डू नॉट, और हमने बताया डू नॉट और डज नॉट के साथ है हाउस। दूसरा, क्या हमारे पास चार बच्चे हैं, क्या हमारे पास चार बच्चे हैं तो क्या पहले आया है, तो क्या की अंग्रेजी आप मत लिखिए, क्या के लिए हमारे अंग्रेजी भी होता है अकॉर्डिंग है, तो क्या हो जाएगा है वी फोर चिल्ड्रेन, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि डू वी है फोर चिल्ड्रेन। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही इजी है और यह था हैज है का यूज। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके हमें बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।